नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme GT 65G versus Infinix Note 40 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 65G में 6.38 इंच जबकि 40 Pro 5G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 65G में 2.96 इंच जबकि 40 Pro 5G में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 65G से कम है। बात करें थिकनेस की तो 65G में 0.34 इंच जबकि 40 Pro 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 65G में 191 ग्राम्स जबकि 40 Pro 5G में 190 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 65G में LTPO AMOLED जबकि 40 Pro 5G में फ्लेक्सिबल AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 65G में 1264x2780px FHD+ और 40 Pro 5G में 1080x2436px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 65G में 91.22% जबकि 40 Pro 5G में 89.33% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 65G में 450 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 40 Pro 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 65G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और 40 Pro 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 65G में 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 40 Pro 5G की बात करें तो उसमें 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 65G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और 40 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 65G में Adreno 732 जबकि 40 Pro 5G में IMG BXM8-256 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 65G में Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 और 40 Pro 5G में MediaTek Dimensity 7020 मिलता है। बात करें RAM की तो 65G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि 40 Pro 5G में 1 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 65G में 3 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB, 512GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 40 Pro 5G में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी 65G में 5500 mAh जबकि 40 Pro 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 65G में चार वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 30,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 32,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 35,999 रुपीस, 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 39,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें 40 Pro 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 23,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme GT65G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Infinix Note 40 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 65G आगे है, मेन कैमरा में 40 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 65G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi 14 Civi 5G है, दूसरा Vivo V30 Pro 5G है, तीसरा Tecno Camon 30 Premier 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V30 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।